SMIT आइजवन में आपका स्वागत है। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों को ऊंचाई और दूरी में कुछ महत्वपूर्ण सवाल को लेकर के आए हुए हैं। चलिए उसको क्रम से देखते हैं, जो कि बिहार ITI एवं पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा 20 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं, और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट ये करता हूँ कि आप कम से कम इसको शुरू से अंत तक वीडियो ज़रूर देखें। चलिए देखते हैं, ये जो मेरा एक नंबर सवाल है, इस एक नंबर सवाल में देखिए क्या कहता है। कह रहा है इसमें 40 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर तथा आधार से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 30 तथा 60 डिग्री है। आप क्रम से देखिए इसमें कहता क्या है कि 40 मीटर ऊंचे मीनार के शिखर तथा आधार से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण। आप देख लीजिए, इसमें एक मीनार है और दूसरा प्रकाश का स्तंभ है। पहले समझिए क्या क्या दिया हुआ है। पहले हम यहाँ पे देखिए, इसमें कह रहा है ये 40 मीटर का मीनार है। ये 40 मीटर का आप एक मीनार देख रहे हैं के शिखर तथा आधार से। शिखर इस मीनार के हो गया, ये शिखर और इसका हो गया ये आधार से एक प्रकाश स्तंभ के शिखर, प्रकाश स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण। यहाँ पे प्रकाश स्तंभ है, ठीक है, ये प्रकाश स्तंभ के शिखर के उन्नयन कोण कह रहा है। क्रमशः देखिए, पहले ये मीनार के शिखर है, मीनार का शिखर ये हो गया, तथा आधार से, इसी का आधार से क्रमशः देखिए उन्नयन कोण बना रहा है। कहाँ उन्नयन कोण, आपको पता है आंख को यही रखना है, आंख को ऊपर नीचे करना है, तो ये बनाया पहले, ये मेरा प्रकाश स्तंभ था, प्रकाश स्तंभ। ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है, देखिए ये कितने डिग्री का बनाया, ये 30 डिग्री का बनाया है, ये शिखर से बनाया। यहाँ देखिए मीनार के शिखर से तथा आधार से, ये मीनार के आधार से, फिर देखिए इस सिक्के शिखर पे कितने का बना रहा है उन्नयन कोण, कितने का बना रहा है, ये 60 डिग्री का बना रहा है। अब देखिए ये 40 मीटर का है, तो आपको इसमें दो चीज बताने के लिए कह रहा है, प्रकाश के स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात करना है, ए बी सी। ये प्रकाश के स्तंभ हो गए, ये टोटल इसको ज्ञात करना है, तथा आपको दिखाना है प्रकाश स्तंभ के शिखर से मीनार के आधार की दूरी भी ज्ञात करना है। ये शिखर से मीनार के आधार की दूरी ये भी आपको ज्ञात करना है, ये टोटल ये कितना होगा। यानी हम इसको मान लेते हैं PQ, तो आपको QA का भी दूरी ज्ञात करना है। दो क्वेश्चन है, क्रम से देखते हैं, समझ में आ गया होगा फिगर लगभग। अब चलिए हमको ये पहले इसको कैसे ज्ञात करेंगे, पहले इसको देखिए, इसको क्रम से आइए देखते हैं। घर घर करना इसको नहीं कम कर सकती है, रोहन में आवाज नहीं समझ में आता है, पीछे कर दिया घर आ रहा है। चलिए एक क्रम से इसको हम देख लेते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है, हम इसको कैसे निकालेंगे। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, ये जितना भी है राइट एंगल ट्रायंगल में फॉर्म होता है, तो हम पहले ये ट्रायंगल को ले लेते हैं ABP में। ABP ट्रायंगल में देखिए क्रम से, तो हम यहाँ पे 30 डिग्री पर लेते हैं, तो 30 डिग्री इज इक्वल टू क्या लेंगे, ये बाई ये, यानी AB बटे क्या हो जाएगा BP। क्लियर हो गए। अब आपको पता है कि 10 30 का मान कितना होता है, 1/√3
इज इक्वल टू ये ए बी बाय बी पी। आप यहाँ से ए बी निकाल लीजिए, ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/10 √3 इंटू बी पी। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? ये निकाल लिए, अब आगे चलते हैं। अब इसको ले रहे हैं, इसको देखिए अगर ये 40 है तो ये भी 40 होगा, क्योंकि ये आमने सामने की भुजा क्या होगी, बराबर होगी। तब चलते हैं हम इसमें ट्रायंगल ए सी क्यू में, ए सी क्यू में देखिए क्या होगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी ए सी, ए सी बाय क्या होगा क्यू सी। 10 60 का मान आपको पता है कितना होता है, √3 इज इक्वल टू ए सी का मान देखिए, ए सी है, ए सी को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी को ये ना लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, आप बटे देखिए क्यू सी ये लिखेंगे। अब देखिए √3 हो गया ये ए बी, ए बी देखिए ए बी का, ए बी का वैल्यू, ए बी का वैल्यू कितना है, बी पी का वैल्यू के बराबर है, तो हमको यहाँ पे ए सी का मान निकालना है। मान लीजिए पहले हम ए बी का ही मान निकाल लेते हैं, ए बी का मान निकालने के लिए ही देखिए बी सी, बी और बी पी, बी पी देखिए क्यू सी के बराबर है, बी पी के प्लेस पे हम लिखेंगे क्यू सी, तो ए बी रहने देते हैं ये ए बी प्लस बी सी, बी सी देखिए तो यहाँ पे जो बी सी है ये बी सी का मान 40 दिया हुआ है। अब देखिए ये जो क्यू सी है ये क्यू सी इसके बराबर है, क्यू पी के, क्यू बी के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं पी बी, ठीक है। अब हम आगे यहाँ देख रहे हैं, चलिए √3 हो जाएगा ए बी, ए बी का तो निकालना ही है, ए बी प्लस 40। आइए जो यहाँ पे बी पी बी लिखा हुआ है, देखिए पी बी, पी बी कहाँ है, ये पी बी, पी बी के प्लेस पे क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से इसको कोना कोनी गुना कर दीजिए, √3 ए बी इज इक्वल टू पी बी लिख सकते हैं, तो इसके प्लेस पे हम यहाँ पर रख देते हैं √3 ए बी। अब आगे यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, कोना कोनी गुना कर दीजिए, √3 × √3 हो जाएगा 3 ए बी इज इक्वल टू होगा ए बी प्लस 40। ए बी को इधर लेकर आइए, 2 ए बी इज इक्वल टू होगा 40, ए बी इज इक्वल टू क्या होगा आपका 40/2, यानी ए बी, ए बी इज इक्वल टू आपका निकल गया 40 मीटर। इस तरह हमने ये निकाल दिया, ए बी का वैल्यू निकाल लिए, हमको ये प्रकाश स्तंभ का कुल ऊंचाई दिख ज्ञात करना था, तो ए सी इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी हो गया प्रकाश स्तंभ, तो ए सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी सी, ये तो मेरा प्रकाश स्तंभ का ऊंचाई हो जाएगा, ये प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई, ए सी इज इक्वल टू ए बी का मान अभी हम तुरंत निकाले 40 प्लस बी सी का मान 40, इस प्रकार क्या होगा 80 मीटर का मेरा प्रकाश स्तंभ है, क्लियर। जब हम ये निकाल लिए तो आप ऑटोमेटिक है ये क्यू ए का मान आप खुद निकाल लीजिएगा, क्यू ए का मान आप निकालिएगा, नहीं निकलेगा तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कर दीजिएगा कि नहीं निकला। और जो ये दूसरा वाला सवाल है, ये जो है ये एच डब्ल्यू रहा, आप लोग बना करके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि कितना आंसर आया या नहीं आया, किससे बना या नहीं बना, आप कमेंट बॉक्स में लिख करके सेंड करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो दिल से लाइक कीजिए और अपने दोस्तों यारों में शेयर कीजिए। अगर कोई नए विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हो और यदि उन्हें अच्छा लग रहा हो तो वो भी क्या करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों यारों में शेयर करें। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट डे।